शिव जी को प्रकट किया है इस धराधाम में। ठाकुर जी का आज प्रकट तिथि है, विग्रह प्रतिष्ठा का जो दिन वो आज ही का दिन है। द इंस्टॉलेशन डे ऑफ द डाइटीज राधा गोकुलानंद इज टुडे। श्रील गुरुदेव इन 2006 6th of November on Ras Purnima day installed these deities in Mumbai. They are actually installed in Mumbai and then they traveled to Punjab, finally landed in Govardhan. Har jagah par Thakur ji jab prakat hote hain, vese to hamare vigrah sare chal vigrah hai, phir bhi jahan par prakat hote hain Thakur ji wahi par virajte hain. लेकिन हमारे ठाकुर जी मुंबई में प्रकट हुए, गिरिराज जी में आके अभी विराज रहे। जैसे हम लोग सुनते हैं मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, राधा माधव जी इत्यादि जितने भी विग्रह है, वो प्रकट होकर वृंदावन में विराजे हैं, फिर उसके बाद यात्रा करते करते जयपुर चले गए। ऐसे भगवान यात्रा करते हैं, ये हम लोग अपने पूर्वजों के इतिहास में सिर्फ श्रवण किया, लेकिन यहाँ पर गुरु जी के कृपा से दर्शन करने को मिला कि हमारे ठाकुर पंजाब से लेकर के फिर वापस यहाँ पर तक यात्रा किया है। भगवान किस लिए प्रकट होते हैं? परमाराध्य शिक्षा गुरु ओम विष्णु पाशल भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज बतलाते हैं कि भगवान किस लिए प्रकट होते हैं। इस जगत के जो जीव है उनके ऊपर कृपा करने के लिए। किस तरह का कृपा? प्रेममयी भक्ति की कृपा, प्रेम भक्ति को प्रदान करने के लिए ही भगवान का अवतरण होता है। वो अवतरण का कारण क्या होता है? जो प्रेमी भक्त अपने हृदय के अंदर का उस प्रेम को एकत्रित करके जब भगवान को पुकारता है, उसके पुकार को स्वीकार करते हुए भगवान प्रकट होते हैं। क्योंकि हम जिस अवस्था में हैं और भगवान जिस भूमिका में हैं, ये दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। कि अगर हम सोचें कि हम भगवान को पुकार लेंगे और भगवान तक हमारा पुकार पहुंच जाएगा, ये संभव पर नहीं है। उसके लिए एक माध्यम उसकी जरूरत है, एक ऐसा माध्यम जहां पर हम लोग अपने निवेदन को लेकर के जा सकते हैं और जहां पर उस निवेदन का सुनवाई भी होता है, स्वीकार भी होता है, उस प्रार्थना स्वीकार भी। वो कौन सा एक ऐसा स्थान है? वो यही स्थान है जहां पर गोविंद विग्रह रूप में अवतीर्ण होते हैं। अभी विग्रह दिखाई देते हैं, लेकिन जो दर्शन करता है वो क्या कहता है? प्रतिमा नाई तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, तुम तो प्रतिमा नहीं है, मैं तो प्रतिमा देख रहा। लेकिन दर्शन करने वाले व्यक्ति तो इस चीज को दर्शन करते हैं कि ये तो प्रतिमा नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान है। क्यों विराजमान है? हम लोगों के निवेदन, हम लोगों के आर्त भाव, हम लोगों के प्रार्थना को सुनने के, हमारे प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए और हमें अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान करने के लिए विराजमान। उसके लिए भगवान क्या करते हैं? ये विग्रह प्रति, ये जैसे जन्माष्टमी है और आज राधा गोकुलानंद जी का आविर्भाव तिथि है, मतलब भगवान बतला रहे हैं कि मेरा आविर्भाव नित्य होता है, मेरा प्रकट नित्य होता है। जो भक्त जब भी अपने हृदय के अंदर प्रेम में, उसी समय वहां पर अवतीर्ण हो जाता हूं, वही विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान सबके लिए नहीं आते,
ये भी एक विशेषता है। जब पहले प्रकट हुए मदन मोहन, जब पहले प्रकट हुए थे गोपाल, फिर उसके बाद यवनों के भय से सेवक लोगों ने विग्रह को रख दिया था, फिर उसके बाद भगवान अपने आप को लुप्त कर लिया। फिर बाद में जब माधवेंद्रपुरी वहां जाते हैं तो भगवान वहां से प्रकट होकर के निकलते हैं। ये विशेषता है कि विग्रह किस लिए प्रकट होता है, वो बतला रहे हैं, केवल भक्त के लिए प्रकट होते हैं। और प्रकट होकर क्या करते हैं, भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं। अगर भक्त ने कहा कि प्रभु आप यहां रह के जीवों के ऊपर दया करें, भगवान फिर वही रहकर जीवों पर दया करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भक्त ने इच्छा किया, मेरा भक्त का यही इच्छा है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते। केवल मात्र भक्त के लिए आते हैं और आने का कोई मुहूर्त नहीं रखते हैं। जिस समय पधारते हैं वही समय मुहूर्त बन जाता है। जिस समय वो आते हैं वही समय मुहूर्त बन जाता है, और वो मुहूर्त सबसे उत्तम होता है। जैसे आज है रास पूर्णिमा, जो दिन पूज्यपाद परम पूज्यपाद श्रीला भारती महाराज जी बोलते थे, जो गजेंद्र का उद्धार किया था, वो किसी किसी विचार के अनुसार निर्जला एकादशी का दिन भी माना जाता है। इसीलिए जगन्नाथ पुरी में निर्जला एकादशी के दिन उधर से मदन मोहन का ऐसा लीला चलता है वहां पर कि गरुड़ जी के ऊपर मदन मोहन जी हैं, पीछे जो है लक्ष्मी जी हैं, वो बैठी हुई देख रही कि ये जा कहाँ रहा है। कहाँ जा रहे हैं? गजेंद्र का उद्धार करने जा रहा है। जो तिथि को भगवान चयन करते हैं वही तिथि पुण्य तिथि बन जाता है। और ये चयन किस लिए करते हैं? केवल भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए करते हैं, भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए करते हैं। ऐसा ही भगवान श्री राधा गोकुलानंद जी यहां पर कृपा किया। श्रील गुरु महाराज जी आए थे, मुंबई में आए थे, तब कार्तिक चल रहा था वहां पर। और फिर गुरु महाराज जी ने रास पूर्णिमा के दिन नवी मुंबई में ठाकुर जी को प्रकट किया था। इतना अद्भुत है कि विग्रह का बहुत ही अद्भुत वो है कि ऐसा नहीं है कि मूर्ति है, मूर्ति के रूप में दिखाई देता है जिसका नेत्र जड़ है, लेकिन जिसके अंदर दर्शन का योग्यता है उसको वो साक्षात दिखाई देते हैं। न केवल दिखाई देते हैं, उसके ऊपर कृपा भी करते हैं। वैसे तो हर पूर्णिमा ही रास पूर्णिमा है, लेकिन ये जो पूर्णिमा है कार्तिक का, ये विशेष है। इसी को मतलब जो प्राधान्यता वो इसी का है, करते हैं वो हर पूर्णिमा को होता है, ये जो है लगभग हर पूर्णिमा को होता है। ऐसा नहीं, आप इसीलिए देखते हो परिक्रमा करते टाइम बरसाना में कई जगह पे बोलते हैं ये रासमंडल है, वहां रासमंडल है, यहाँ रासमंडल है, कई दिखाते, क्योंकि अलग अलग स्थानों के अंदर अलग अलग समय में रास हुआ है। जब जैसे शरद ऋतु में हुआ, वसंत ऋतु में हुआ, ये सब हर ऋतु में होता है। क्यों? यही कार्तिक पूर्णिमा है, वो तो शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के बाद फिर ये शुरू होता है। हाँ, तो इस तरह से है। तो ये मुख्य रूप से इसको लिया जाता है। रास मतलब क्या है? आनंद है। तो ये जो रास यात्रा मतलब भगवान अपने प्रेमी भक्त
जिनके हृदय के अंदर भगवान के साथ विलास करने का भाव है, विलास करने का इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। विशेष करके ये जो रास है, हम लोग मधुर रस के जो रसिक भक्त है उनके लिए ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता में प्रेमी भक्तों के साथ भगवान का जो विलास है वो रास है, जहां पर आनंद का वर्धन होता रहता है। लेकिन प्राधान्यता जो दिया जाता है वो केवल मात्र भगवान का व्रजांगनाओं के साथ, गोपीजनों के साथ में जो विलास होता है उसी को रास माना जाता है। उसमें होता क्या है, आनंद वर्धन होता है, प्रेम वर्धन होता है। जो प्रेम भगवान के लिए भक्तों के हृदय के अंदर है, उन गोपियों के हृदय के अंदर है, वो प्रेम जब पराकाष्ठाओं में आकर के ओतप्रोत होने लगता है, उस समय भगवान वहां पर उन भक्तों के साथ जिन लीलाओं को करते हैं वही रास होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाच ही रहे हैं पूरा टाइम। वहां जो भी उस लीला के अंदर अंतर्भाग में जो कुछ भी होता है, ये जो गाते हैं हम लोग गीत लास्य कैला कत सेवा कैल सखियत, ये जो कुछ भी चल रहा है वहां पर, ये सब रास का ही अंतर्भाग है। गा रहे हैं, नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सब कुछ रास के अंतर्भाग है। ये विशेष रूप से आज के दिन वहां पर घटित हुआ है, ऐसे परम पावन तिथि है, उसके अंदर वो प्रादुर्भूत हुए हैं। क्या प्रदान करने के लिए, वही प्रेम को प्रदान करने के लिए। राधा गोकुलानंद जी का एक विशेष वो है, रास पूर्णिमा में प्रकट होते हुए साथ में एक इशारा दे रहे हैं। हम लोग पूरा कार्तिक गा रहे हैं ना, क्या गा रहे हैं, सही लीला प्रवेशेर आशे, ये नाथ हमें उस लीला में प्रवेश पाने की आशा अभिलाषा है। वो प्रकट होकर के कृपा कर रहे हैं कि सेवा करो प्रवेश पालो, कि तुम सेवा करोगे कि मैं प्रकट होऊंगा और तुमको लेकर के भी जाऊंगा, तुम्हें प्रवेश प्रदान करूंगा। ये विशेषता है ठाकुर जी का। तो जो भी हो, आज ठाकुर जी का प्रकट तिथि है, इसके ऊपर विशेष रूप से शाम को चर्चा करेंगे महाराज जी से, महाराज जी के साथ बैठकर। अभी ठाकुर जी का 11 बजे अभिषेक होगा। श्रील गुरु महाराज जी परम दयालु हैं, क्या उनके मन में आया मालूम नहीं, या भगवान का क्या इच्छा था मालूम नहीं, गुरु जी मुंबई 2006 आखिरी बार गए थे स्थूल रूप से। गुरु जी कृपा तो सब जगह सर्वत्र है, भगवान जिस प्रकार से सर्वव्यापक है, गुरु कृपा और गुरुदेव भी सर्वव्यापक होते हैं, लेकिन स्थूल रूप से चरम चक्षुओं से जो दर्शन होता है उसमें 2006 में गुरु जी वहां आखिरी बार गए थे, और जाते कृपा किया भक्तों के ऊपर, या यूं कहे तो हम लोगों पे कृपा किया था कि उन्होंने शायद देखा जो भी, और हम लोगों को राधा गोकुलानंद जी का सेवा प्रदान किया। ये गुरु जी का हृदय का धन है। गुरु जी पूरा कार्तिक के लिए गए नहीं थे, क्योंकि शरीर गुरु जी का उस तरह से उस समय था नहीं कि गुरु जी पूरा महीना वहां जा सके, कुछ दिन के लिए आए थे, वो विशेष करके विग्रह प्रतिष्ठा के लिए ही आए थे। अगर विग्रह प्रतिष्ठा का उत्सव का वो नहीं होता तो संभावना कम ही था आने का, उस समय ऐसा स्थिति था, लेकिन आए और कृपा करके विग्रह स्थापना किया और सेवा भी प्रदान किया। 2011 में गुरु जी यहाँ पर आए थे। इससे पहले अगर गुरु जी का बोल करके कोई संपत्ति, कोई धन हमारे पास है सेवा करने के लिए, तो वो केवल श्री राधा गोकुलानंद जी एकमात्र है, और अभी भी वही हैं, आगे भी वही रहेंगे। गुरु जी का प्रदत्त श्री विग्रह है, और साथ में आज ही का दिन गुरु जी ने अपने चरण पद का भी दिया था हम लोगों को, वो अभी मुंबई में है, वो पद का हमने गुरु जी को अर्पण किया था, वो भी दिया गुरु जी ने, बहुत कृपा किया रास पूर्णिमा के दिन गुरु जी ने।
और भगवान ने, हम लोग इसके बारे में चर्चा विशेष रूप से शाम को करेंगे महाराज जी के श्रीमुख से। अभी कीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद 11 बजे अभिषेक होगा। हरे कृष्ण। गाओ कुछ, गाओ।